मशहूर मारो विलन जीवन के बड़े बेटे किरण कुमार। हुजूर को खुश करने के लिए हार तो नहीं जाएगा, हारेगा तो जान से जाएगा। तेजाब के लोटिया पठान किरण कुमार। लोटिया पठान की अदालत में सिर्फ एक ही कानून चलता है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। हीरो से बने विलन किरण कुमार की दास्तां है ये। तुम जैसे छोटे मोटे दरख्तों के रोकने से तूफान नहीं रुका करते, बल्कि अपनी बर्बादी के सैलाब में बड़ी बड़ी आबादियों को बहा ले जाते हैं। किरण कुमार ने अपने पिता के साथ ही फिल्मों की शूटिंग्स देखना शुरू किया था। इनके पिता जीवन जाने माने विलेन थे। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से लेकर कलर्ड फिल्म्स तक जीवन ने हंगामा मचा रखा था। किरण कुमार दरअसल कश्मीर से हैं और एक कश्मीरी पंडित हैं। जब इन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे भी एक्टिंग करनी है, तो पिता ने कहा कि मेहनत करनी होगी। आपके पाक हाथों से जो पानी के छींटे पड़े ना मुझ पे, वो मेरे लिए आबे ज़मज़म था, गंगा जल की तरह था। और ये चले गए पुणे के FTII, वहां से एक्टिंग सीख करने के लिए। और लग रहा था यह खूबसूरत नौजवान जरूर हीरो बनेगा। ये हीरो बने भी। फिल्में आज की ताजा खबर, जंगल में मंगल, इन दोनों ही फिल्मों में किरण कुमार की लुक्स ने कमाल कर दिया था। किरण कुमार ने इंदौर से स्कूलिंग की थी और बांद्रा के RD नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया था। और जब ये FTII पहुंचे थे, तब लोग इन्हें दीपक धर नाम से पुकारा करते थे, यही इनका नाम था। पर जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो इनका नाम रख दिया गया किरण कुमार। इंद्रधनुष के साथ रंगों में देखता रहा, सफेद रंग का अंधेरा मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं देखना चाहता था सुप्रिया, नहीं देखना चाहता था मैं। फिल्मों में काम बन तो रहा था, लेकिन गाड़ी जरा रुक रुक के चल रही थी। फिर इन्होंने गुजराती फिल्मों की तरफ रुख किया। इन्हें गुजराती सिनेमा का बच्चन माना जाता था और राकेश रोशन की फिल्म खुदगर्ज इन्हें वापस लेकर आई थी हिंदी सिनेमा की तरफ। और उसके बाद तेजाब में इनके अभिनय ने कमाल किया। वसूल करने के लिए तुम्हारे उस लीचर बाप के पास है ही क्या? मेरा कर्जा उसका सूद तुम सब चुका सकती हो। तुम्हारी इस खूबसूरती को अच्छे दाम में खरीदने वाले बहुत है मेरे पास। मेरे कर्जे की पहली किश्त तुम कल चुकाओगी, तैयार रहना। और फिल्म खुदा गवाह में भी इनका काम बहुत ही प्रशंसनीय था। फिल्मों के बाद इन्होंने रुख किया टेलीविजन की तरफ, और टेलीविजन में तो इन्होंने एक से बढ़कर एक सीरियल्स किए। एक वक्त ऐसा भी था जब ये टेलीविजन की दुनिया के सबसे महंगे स्टार थे। इन्होंने खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया, नाम रखा साईनामा विजन्स। किरण कुमार को बहुत दुख रहा जब इनके छोटे भाई भूषण जीवन की मृत्यु हो गई। वो मात्र 36 बरस के थे और उनकी मौत ने इनका दिल तोड़ दिया। इतनी खुशी मिली कि निभाई नहीं गई, इतना हंसे कि आंख से आंसू निकल पड़े। किरण कुमार की शादी हुई गुजराती अभिनेत्री सुषमा वर्मा से। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, बेटा शौर्य जो डेविड धवन और अब्बास मुस्तान जैसे बड़े जबरदस्त डायरेक्टर्स के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुका है, और बेटी सृष्टि जो कि एक ज्वेलरी और क्लोथिंग लेबल चलाती है। यकीनन किरण कुमार का जीवन बताता है कि मशहूर बाप की औलाद होने के बावजूद मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और जब लगे कि फिल्मों में बात नहीं बन रही, तब रास्ते बदलने भी पड़ते हैं। और फिर एक ऐसा मकाम हासिल किया जा सकता है जहां पर दुनिया आपको एक लेजेंड माने। किरण कुमार ने फिल्मों और टेलीविजन दोनों ही दुनियाओं में एक जबरदस्त नाम बनाया। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।